राजा अस्ति अहम सेंट थॉमस विद्यालय से सप्तमी कक्षाया छात्र अस्मि अहम अधुना भवता समक्षे विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् इति निर्धारित सुक्ति विषय श्लोकं प्रस्तौमि अस्मिन् श्लोके विद्यायाः महत्वस्य वर्णनम् अस्ति विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रचण्डगुप्तं धनं विद्या भोगकरी विषयः सुखकरी विद्या गुणां गुणं विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परम दैवतम् विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशु न चोढार्यं न च राजार्यं भ्रातृभाज्यं न च भारतार्यं व्यये कृते वर्तते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् अर्थात इसका भावार्थ यह है विद्या इंसान का विशिष्ट रूप है गुप्त धन है वह भोग देने वाली यश देने वाली और सुख देने वाली है विद्या गुरुओं की गुरु है विदेश में वह इंसान की बंधु है विद्या बड़ी देवता है राजाओं में विद्या की पूजा होती है धन की नहीं इसमें विद्या की ही मनुष्य पशु भी है विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता राजा ले नहीं सकता और भाइयों में बांटा नहीं जा सकता उसका भार नहीं होता और वह खर्च करने से हमेशा बढ़ता है अर्थात विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जो हमेशा बांटने से ही बढ़ता है अतः सचमुच विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ धन है धन्यवाद।